हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो आज है 24 मई और नैनीताल में आज काफ़ी ठंड है क्योंकि काफ़ी बारिश हुई है। कल आज सुबह से बहुत बारिश थी, कल भी बारिश थी। अभी थोड़ा सा मौसम खुला है। अभी मैं जा रही हूँ वॉक के लिए और आपको दिखाती हूँ आज के नज़ारे कैसे हैं नैनीताल के, तो मेरे साथ बने रहिए। देखिए, मैं हूँ अभी नैनीताल के हॉस्पिटल के पास और यहाँ पर आप गाड़ियाँ देख सकते हैं कितना जाम लगा हुआ है अभी, क्योंकि सीज़न पीक पे है फ़िलहाल और बच्चों के स्कूल्स भी बंद हो चुके हैं। तो काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पे पहुँच रहे हैं और देखिए आप यहाँ से नीचे तक पूरा आप देख सकते हैं कि जाम ही जाम है। देखिए, तो चलिए नीचे चलते हैं और फिर दिखाती हूँ मैं आपको। तो देखिए, जो एरिया है इसे नैनीताल का गोलघर का एरिया बोलते हैं और ये देखिए चौराहे पर कितना जाम है अभी। मेरे सामने है नमन स्वीट्स जहाँ पे मिठाई बहुत अच्छी मिलती है और सामने आप देख सकते हैं ये बड़ा बाज़ार का एंट्रेंस है। यहाँ से ये देखिए लिखा है बड़ा बाज़ार द हेरिटेज मार्केट, तो ये जो बड़ा बाज़ार है उसकी एंट्रेंस है यहाँ से। तो हम यहाँ से चलते हैं नीचे की तरफ। देखिए, मैं अभी जा रही हूँ नीचे की तरफ और ये है नैनीताल के हॉस्पिटल का गेट। देखिए, बीडी पांडे हॉस्पिटल है यहाँ पर और यहाँ से जब हम ऊपर जाते हैं तो ये हॉस्पिटल है यहाँ पे। और फिलहाल हम जा रहे हैं अभी नीचे की तरफ। तो देखिए, 6 बज चुका है और वन वे हो गया है इस समय। अपर मॉल रोड बंद हो जाती है गाड़ियों के लिए, लोअर मॉल रोड खुली रहती है। तो यहाँ से जितनी भी गाड़ियाँ आ रही हैं इन सबको यहाँ डाइवर्ट किया जा रहा है क्योंकि अभी अपर मॉल रोड से तलीताल नहीं जाने देंगे जो 6 से 8 बजे तक बंद रहती है। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि कितनी गाड़ियां नैनीताल में एंटर हो रही हैं और पूरा जाम ही जाम लगा हुआ है। तलीताल साइड से भी और कालाढुंगी वाली रोड से भी काफ़ी गाड़ियां आ रही हैं। ये देखिए, आम काबा है पे और अभी बीच में जब कोई एक रूल आया था कि बाहर की गाड़ियां एंटर नहीं करेंगी नैनीताल में, उनको बाहर रोका जाएगा और फिर टैक्सी से भेजा जाएगा लोगों को, पर अभी जो है बाहर के नंबर की काफ़ी गाड़ियां आ रही हैं। अभी शायद अभी रोक नहीं रहे हैं या चेकिंग नहीं हो रही है अभी। देखिए ऊपर, अभी ऊपर से दिखाती हूँ मैं आपको ट्रैफिक। तो यहाँ से देखिए, अभी फ़िलहाल ट्रैफिक ख़त्म हो चुका है। ये देखिए, यहीं तक है और ये है फ्लैट्स का एंट्रेंस जहाँ पर काफ़ी भीड़ आपको दिखाई दे रही होगी। तो अभी देखिए, अपर मॉल रोड क्योंकि बंद हो चुकी है गाड़ियों के लिए तो लोग आराम से फ्रीली यहाँ पे घूम सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे, और हम अभी चलते हैं फ्लैट्स की तरफ और वहाँ पे देखते हैं कितनी भीड़ है। मैं आ गई हूँ अभी फ्लैट्स के एंट्रेंस पे और यहाँ से देखिए आप आगे देखिए, खाली आपको सिर ही सिर दिखाई देंगे, इतनी भीड़ है यहाँ पे। देखिए सामने, चलिए चलते हैं वहीं पे। फड़ भी लग चुके हैं यहाँ पे, 4 से 8 इनका टाइम है और भीड़ आप लोग देख ही सकते हैं इस टाइम पे काफ़ी भीड़ है क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था कि दिन में लोग इधर उधर घूमने निकल जाते हैं लेकिन शाम को जब वो लोग लौटते हैं तो इस एरिया में काफ़ी भीड़ बढ़ जाती है। तो देखिए, आप देख ही सकते हैं कितनी भीड़ है। देखिए यहाँ पे दुकानें लग चुकी हैं इस टाइम पे और देखिए कितना सुंदर सामान यहाँ पे मिल रहा है। देखिए यहाँ पे ज्वेलरी और टोपियाँ मिलती हैं। यहाँ पे देखिए खाने पीने के बहुत से ऑप्शंस हैं यहाँ पे। ये देखिए, ये अंकल आंटी हैं यहाँ पे जो यहाँ पे मोमोज बेचते हैं और काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। तो आप लोग आइए और इनके मोमोज ज़रूर खाइएगा। चलते हैं आगे बैंड स्टैंड की तरफ और अभी आपको लेक का नज़ारा दिखाती हूँ मैं यहाँ से। देखिए इस टाइम पर शाम हो चुकी है और कुछ ही टाइम बचा है बोटिंग का, 7 बजने वाला है और 7 बजे बोटिंग बंद हो जाती है। देखिए यहाँ पे,
अच्छा। तो देखिए शूटिंग की वजह से यहाँ पे काफ़ी सिक्योरिटी भी है, क्योंकि शूटिंग अभी चल रही है, सिक्योरिटी लगी है शूटिंग की वजह से। तो चलिए यहाँ से हम भी बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आज मौसम काफ़ी ठंडा हो रहा है बारिश की वजह से, लगभग 16 या 17 के आसपास टेम्परेचर है। और आप लोग देख सकते हैं लोगों के गर्म कपड़े निकल गए हैं, देखिए यहाँ पे कोट्स मिल रहे हैं क्योंकि ठंडा यहाँ पे लौट चुका है, तो गर्म कपड़े फिर से बिकने लगे हैं। देखिए लोग यहाँ पे ट्राई भी कर रहे हैं, ये देखिए। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि लोग खुद भी जैकेट्स और शॉल में उतर चुके हैं, क्योंकि एकदम से काफ़ी ठंड हो गई है और मौसम काफ़ी अच्छा बना हुआ है, बहुत ही सुहाना मौसम जिसे कहते हैं वो हो रहा है। देखिए तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कुमाऊँ वुलन्स, ये देखिए मेरे सामने है कुमाऊँ वुलन्स, और यहाँ पे शॉल्स बहुत अच्छी मिलती है। मैं आपको बाहर से दिखाती हूँ एक बार, देखिए यहाँ पे वुलन आइटम्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे मिलते हैं, ये देखिए काफ़ी सुंदर और रीज़नेबल प्राइस में यहाँ पे शॉल्स मिलती हैं, आप अंदर देख सकते हैं यहाँ से। तो देखिए यहाँ पे काफ़ी अच्छी रेंज है शॉल्स की और बहुत रीज़नेबल प्राइजेज हैं, देखिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि शूटिंग चल रही है, एक फ़िल्म की शूट चल रही है जिसका नाम लेडी किलर है, और साथ साथ ही कलर्स का एक सीरियल भी शूट हो रहा है यहाँ पे। तो अभी नैनीताल में काफ़ी शूटिंग टाइम चल रहा है और भीड़ तो आप देख ही सकते हैं। तो देखिए मैं पहुंच चुकी हूँ भोटिया मार्केट की तरफ, अभी काफ़ी चहल पहल है यहाँ पे, और सामने आप पेड़ देख सकते हैं, बहुत सुंदर पेड़ है, उसे लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं पांगड़, चेस्टनट होता है जो। तो अभी उसमें बहुत सुंदर फूल खिले हैं, आप सामने देख ही सकते हैं, और बारिश की वजह से अभी यहाँ पे कीचड़ है बहुत। तो देखिए सामने यहाँ पे है चाइना टाउन, हार्ड रॉक और पंडित जी रेस्टोरेंट। तो ये सारा एरिया जो है ये खाने पीने का एरिया है जिसे चाट पार्क कहते हैं, और आप देख ही सकते हैं कितना कीचड़ है अभी बारिश की वजह से। तो चलिए मंदिर के दर्शन भी कर लेते हैं। आप भी दर्शन कीजिए मंदिर के। चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, ये छोटा सा वीडियो बस आपको नैनीताल के अपडेट देने के लिए बनाया था। तो अभी फ़िलहाल मंदिर में हूँ मैं, और इस वीडियो को भी यहीं पे एंड करती हूँ, और मंदिर के पीछे अभी शूट चल रहा है वो देखती हूँ जाके कि वहाँ पे क्या हो रहा है। तब तक के लिए बाय, और दूसरे किसी और वीडियो में मिलेंगे, आप मेरे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय।